गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 11, रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, इसका मतलब कि कोई भी कंट्री है, जब कंट्री वर्क करती है तो फाइनेंस की ज़रूरत होती है, कंट्री में इकोनॉमी में फाइनेंस की ज़रूरत होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे जो उसका कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपनी जो डोमेस्टिक सेविंग्स उसे मिल रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, वहाँ से अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। इसका मतलब कि उसे इंटरनेशनली जाना पड़ेगा, आउटसाइड हिज और हर कंट्री उसे जाना पड़ेगा। तो जो मोस्ट ऑफ दी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो सफ़र करती हैं लो लेवल ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन से, और ये कंट्रीज चाहती हैं कि उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो अचीव कर पाए। और इसके लिए ज़रूरी है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, फुल यूटिलाइजेशन होना रिसोर्सेज की, फुल यूटिलाइजेशन होना कैपेसिटीज का। तो क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और लिमिटेड फंड्स आप रेज कर सकते हो डोमेस्टिक मार्केट से, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसे डिपेंड करना पड़ता है बोरोइंग्स पर, एज वेल एज जो फॉरेन करेंसीज के ऊपर जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सके। तो कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट सीन में आती है, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है वो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरोस, FIIs, FDIs, ADRs, GDRs एंड ECBs। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले जो हैं दैट इज यूरो, FIIs, FDI, ADRs एंड GDRs। तो सबसे पहले जो हमारा है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम FDI की बात करते हैं तो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। इन सिंपल लैंग्वेज कहें कि अगर आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो दो तरीके से आ सकती है, एक है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो फॉरनर है, जो आउटसाइड दी कंट्री जो इंस्टीट्यूशन है या पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो आपकी कंट्री में आके यहाँ पर प्रॉपर कंपनी को सेटअप करता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर वो शुरू करता है। तो जो वो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है कंपनी को सेटअप करके, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पर्सन क्या करता है, यहाँ पे जो ऑलरेडी आपकी कंट्री में कंपनीज हैं वो उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या उनके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैटेगरी है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पर जो एक रेजिडेंट है एक इकोनॉमी का, जिसका कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज जो आपकी कंट्री में सेटअप है। देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होती है पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स या अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट इक्विटीज में होती है, दूसरी कंट्री में जो कंपनी है उसकी कंपनी की में आप शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते हो। तो जो इन्वेस्टर है अगर उसका सिर्फ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के मीडियम से इन्वेस्ट अपनी कैपिटल आपकी कंट्री में करेगा। अब जो FDI है वो किसी भी कंट्री में दो रूट्स के थ्रू आ सकती है, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ हम बात करते हैं गवर्नमेंट रूट में, तो इस रूट के अंदर जो एप्लीकेशन है पर्सन को वो देनी पड़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को, और जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो मोर देन $30 बिलियन है, तो उस एप्लीकेशन को कंसिडर जो करेगा वो करेगा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और जो FDI है अगर डिफेंस सेक्टर में है और मोर देन 49% है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ साथ आपको कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी भी परमिशन, उसकी भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। जो इंडियन कंपनी है जो रिसीव कर रही है FDI,
चाहे वो ऑटोमेटिक रूट से है चाहे गवर्नमेंट रूट से है, उसे कंप्लाई करना पड़ता है जो भी प्रोविशंस है एफडीआई पॉलिसी के, जिसके अंडर उसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी एफडीआई और इशू ऑफ शेयर्स जो भी उसके हुए हैं टू आरबीआई। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। एफडीआई में किस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैटेगरी में जो हम इंक्लूड करते हैं वो आ जाते हैं आपके फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, पेंशन प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी की कैटेगरी में हम बात करें तो फॉरेन ट्रस्ट, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, एनआरआईज एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें पीआईओस कहा जाता है। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फंड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म और अदर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अब ये जो एफडीआई आपकी कंट्री में आ रही है वो किस किस फॉर्म में आ सकती है, एंट्री स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इन इंडिया। वो कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, और होली ओन्ड भी हो सकती है, और जॉइंट वेंचर्स भी अलाउड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में हो सकती है। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो अलाउड है अंडर गवर्नमेंट रूट उन सेक्टर्स में जहाँ पे 100% एफडीआई अलाउ है अंडर द ऑटोमेटिक रूट बिना किसी कंडीशंस के। नेक्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स की फॉर्म में हो सकती है। इन्हें अलाउ है कि ये सेटअप कर सकते हैं लेकिन प्रायर अप्रूवल लेने के बाद आरबीआई से। जो आरबीआई है वो डिसाइड करती है इनके एप्लीकेशंस इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन। अदर स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्म में है वो नॉट फॉर प्रॉफिट और कंपनीज की फॉर्म में हो सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंसेंटिव्स, की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कौन कौन से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है एफडीआई को इनकरेज करने के लिए किसी भी कंट्री में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स अलाउ किए हैं वो कौन कौन से अनाउंस किए हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का मतलब होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन वो आपको प्रोवाइड करवाती है एट द रेट ऑफ 15% टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹1 बिलियन से ज़्यादा की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में है, अवेलेबल टिल 31/3/15। देन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स अवेलेबल होते हैं जो यूनिट सेटअप होती हैं सिज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गया, देन निम्स में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एक्सेट्रा, एंड ईओयूज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में। देन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ड्यूटी एग्जम्पशन, रेमिशन स्कीम, फोकस प्रोडक्ट्स, मार्केट स्कीम्स एक्सेट्रा जैसे इंसेंटिव्स वो आपको प्रोवाइड करवाती है। एरिया बेस्ड इंसेंटिव्स भी होते हैं, जैसे अगर आप यूनिट सेटअप करते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। देन सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स लाइक एमसेप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बेसिकली जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है। देन नेक्स्ट इज योर स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इंसेंटिव पॉलिसी होती है जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव देता है बेस्ड ऑन दी कि कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है। जो इंसेंटिव्स है वो डिफर करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जनरली हर एक जो स्टेट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें ये मेंशन होते हैं। नेक्स्ट जो ब्रॉड कैटेगरीज है स्टेट इंसेंटिव्स की, उसमें किस तरीके के इंसेंटिव्स हो सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन हो सकती है अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, रिफंड या एग्जम्पशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्सेट्रा जैसे इंसेंटिव्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है दैट इज रिसेंट पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं। गवर्नमेंट ने एज किए हैं, रिलैक्स किए हैं एफडीआई के नॉर्म्स 15 मेजर सेक्टर्स में। टाउनशिप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बिजनेस सेंटर्स, इनमें सब में अलाउ है अप टू 100% एफडीआई अंडर द ऑटो रूट। कंडीशंस हैं मिनिमम कैपिटलाइजेशन एंड फ्लोर एरिया रिस्ट्रिक्शंस की, उन्हें भी रिमूव कर दिया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर। देन इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कंसोलिडेटेड एफडीआई अलाउड है अप टू 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई अगर आपने बियॉन्ड 49% करनी है डिफेंस सेक्टर में, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंसीडर करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही आप एफडीआई जो है उसके जो चेंज ऑफ ऑनरशिप पैटर्न्स हैं अगर उसमें हो रहे हैं तो गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही होगा।
देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्हें अलाउ है कंसोलिडेटेड एफडीआई अप टू 74%, अप टू 100% एफडीआई अलाउड है कॉफी, रबर, कार्डिमम, पाम ऑयल एंड ऑलिव ऑयल प्लांटेशंस में वाय द ऑटोमेटिक रूट. 100% एफडीआई इज अलाउड वाय द ऑटो रूट इन ड्यूटी फ्री शॉप्स जो लोकेट और ऑपरेट कर रही हैं कस्टम बॉन्डेड एरियाज में. देन मैन्युफैक्चरर्स सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट थ्रू होलसेल और रिटेल इंक्लूडिंग ई कॉमर्स के थ्रू विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. फॉरन इक्विटी कैप्स जो हैं उन्हें इंक्रीज किया गया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट एंड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए फ्रॉम 74% टू 100%. 100% एफडीआई अलाउड है मेडिकल डिवाइसेस में. एफडीआई की जो कैपिटल लिमिट है इंक्रीज है की गई है इंश्योरेंस एंड सब एक्टिविटीज में फ्रॉम 26% टू 49%. एफडीआई अप टू 49% परमिट की गई है इन पेंशन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज. अगर आप कर रहे हो रेलवे सेक्टर में तो उसे ओपन कर दिया गया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट. एफडीआई पॉलिसी जो है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर के लिए उसे लिबरलाइज किया गया है. नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं रिलेटेड टू मिनिमम एरिया, मिनिमम कैपिटलाइजेशन एंड रिपार्टिशन ऑफ फंड्स और एग्जिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट से रिलेटेड. इन्वेस्टमेंट अगर एनआरआईज कर रहे हैं अंडर शेड्यूल ऑफ फेमा, ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशंस, तो उन्हें एट पार माना जाएगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के विद द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय रेजिडेंट्स. देन कॉम्पोजिट कैप्स जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस की गई हैं यूनिफॉर्मिटी और सिंप्लिसिटी लाने के लिए अक्रॉस दी सेक्टर्स इन एफडीआई पॉलिसी. 100% एफडीआई अलाउड है वाइट लेबल एटीएम ऑपरेशंस में. देन यहाँ पे एक टेबल दिया गया है फाइनेंशियल वाइज ईयर वाइज एफडीआई इनफ्लोस डाटा. तो यहाँ पे आप जो है लास्ट जो क्यूमुलेटिव आप टोटल कर सकते हैं फ्रॉम अप्रैल 2000 टू मार्च 2015 जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंड नेट जो अमाउंट है ये आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं. देन डीआईपीपी फाइनेंशियल ईयर वाइज एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज का डाटा दिया गया है. यहाँ पे भी जो क्यूमुलेटिव टोटल है आप वो लर्न कर सकते हैं. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.